आप देख रहे हैं खास पेशकश सीएनबीसी आवाज पर। हम हमेशा कॉर्पोरेट इंडिया बाजार के दिग्गजों से बात करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स जगत की एक यूथ आइकॉन, वर्ल्ड नंबर वन चैंपियन साइना नेहवाल, एंड ऑफ कोर्स इज द बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स इंडिया, और ये पहली वो ओलंपिक मेडल विजेता है जो बैडमिंटन को एक लाइमलाइट में लेकर आई है। तो कंग्रेचुलेशंस फॉर ऑल दीज फीट। साइना, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है मुझे। सबसे पहले ये बताइए, हाउ डज इट फील टू बी वर्ल्ड नंबर वन? ये एक आपके लिए चैलेंज था, उसने आपने वो अचीव कर लिया है, नाउ व्हाट नेक्स्ट एंड हाउ डज इट फील? डेफिनेटली फील्स ग्रेट। सब प्लेयर्स का एक ड्रीम होता है टू बी नंबर वन विच एवर फील्ड दे आर इन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन लास्ट ईयर एट दिस टाइम आई वॉज वर्ल्ड नंबर 9, तो मुझे काफी डाउट था कि विल आई बी एबल टू गेट बैक टू नंबर वन एंड क्या मुझे वैसे विन्स मिलेंगे या आई विल बी एबल टू परफॉर्म दैट वेल, क्योंकि लास्ट ईयर तक थोड़ा सा 2013 हैड बीन लिटिल लो, वहां पे मैं इतने टूर्नामेंट्स नहीं जीती थी। 14 में आई हैड द ऑस्ट्रेलिया ओपन विन, बट आफ्टर दैट स्टिल आई वॉज स्ट्रगलिंग टू बीट ऑल द टॉप प्लेयर्स। तो वन फाइन डे विमल सर कम्स टू वर्ल्ड चैंपियन Chefs and he says, Saina, I think you need to improve a lot in your game, and we can do that if you, you know, want to work with me. So that was a big decision which I had to make, because you know, I was in Hyderabad for last 13-14 years, and I've been training there, and I was with my family. So a lot of decisions, you know, lot of thinking in that I have to be there alone in Bangalore training. कितना difficult था actually वो decision लेना, आप हैदराबाद जो आपका होम ग्राउंड है उसे छोड़कर एक नए कोच के साथ काम करना, एक नए शहर में आना, एंड ऑफ कोर्स द चैलेंज टू बी वर्ल्ड नंबर वन? देखिए, वहां पे मेरा गेम एक लेवल तक ऊपर आया, आई प्लेड एक्सट्रीमली वेल, वन सो मेनी टूर्नामेंट्स देयर एज वेल, लेकिन कुछ और मिसिंग था जो मुझे चाहिए था, वो कंसिस्टेंसी मिसिंग थी जो मुझे हर टूर्नामेंट में, आई समहाउ यूज टू फील कि मैं एक ऐसी प्लेयर हूँ जो कंसिस्टेंट खेल सकती हूँ, आई कैन बी वी हैव लाइक 12-13 सुपर सीरीज इन ए ईयर एंड आई कैन विन मोस्ट ऑफ देम, और मैं हर एक इवेंट का फाइनल्स भी खेल सकती हूँ, तो वो बिलीव था, लेकिन इट वॉज नॉट हैपनिंग देयर। तो क्योंकि आई अंडरस्टैंड वहां पे इतने सारे प्लेयर्स हैं, तो इट्स डिफिकल्ट टू फोकस ऑन वन प्लेयर, तो सब लोग अच्छा भी कर रहे हैं, तो आई थॉट कि अब मुझे एक ऐसा चेंज चाहिए जो मुझे उससे एक लेवल और ऊपर ला सके। सो विमल सर गेव मी दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग जो मुझे चाहिए थी, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं, जो कंसिस्टेंसी आई है, और वर्ल्ड नंबर वन इज जस्ट लाइक अ ड्रीम ईयर। मुझे इतना जल्दी एक साल हो गया, मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि कितने सारे टूर्नामेंट्स मैंने खेले हैं, और इतने अच्छे रिजल्ट के साथ वापस आई हूँ, और वर्ल्ड नंबर वन भी बन गई, तो काफी कुछ अचीव कर लिया। लेकिन जो ट्रेनिंग हमारी हो रही है एवरी डे, वो वैसे ही चलती जा रही है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि कुछ नया हो रहा है। इट्स डेफिनेटली मोर रिफ्रेशिंग, बहुत बड़ा चेंज है, और डिफिकल्ट भी है, क्योंकि काफी कुछ सेक्रीफाइस किया है मैंने, वहां पे अपना घर छोड़ के यहाँ पे रह रही हूँ मम्मी के साथ, पापा उधर अकेले घर पे हैं, तो इट्स अ बिग सेक्रीफाइस विच वी आर डूइंग, बट फाइनली ये सब कंट्री के लिए कर रही हूँ मैं, और आई वुड लव टू विन जितने भी मेडल्स हो सके अपने कंट्री के लिए, और अगर उसके लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस करना भी पड़ा तो आई एम ओके विद इट। आपने इनफैक्ट कई सारे चैंपियनशिप्स खेले हैं, और वर्ल्ड नंबर वन बनना, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो क्या वो सिंक इन हो चुका है? आपको क्या लगता है कभी कभी उठ सुबह में उठ के कि वाव, आई एम रियली वर्ल्ड नंबर वन? कि पहले जब बनी थी उस टाइम पे थोड़े दिन तक रहा था, लेकिन उसके बाद अब जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है मुझ पे कि आई एम वर्ल्ड नंबर वन, तो काफी प्लेयर मेरे गेम को वॉच कर रहे हैं, काफी प्लेयर दे वांट टू बी द बेस्ट एंड दे वांट टू बीट मी, तो वो सब एक प्रेशर भी आ जाता है बीइंग वर्ल्ड नंबर वन, तो उसकी वजह से और हार्डवर्क करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इट्स मोर ऑफ वर्किंग हार्ड, और जितना कुछ सीख सकूं मैं उस टाइम पे, क्योंकि वी डोंट हैव मच ऑफ टाइम इन बिटवीन टूर्नामेंट्स एज ऑफ नाउ, हमें ज्यादातर 3 हफ्ते नहीं तो 2 हफ्ते मिलते हैं ईस्ट टूर्नामेंट्स के बीच में, तो उसमें ही जितना कुछ हो सके उतना इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, एंड एज मच एज पॉसिबल आई जस्ट ट्राई टू कीप इट अवे फ्रॉम माई माइंड कि मैं वर्ल्ड नंबर वन हूँ, क्योंकि इट्स मोर ऑफ जितना भी अच्छा ट्रेनिंग मैं कर सकूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन कोर्ट, एंड व्हेन आई मीट विमल सर उसके बाद तो पूरा टॉपिक ही चेंज हो जाता है, इट बिकम्स लाइक कहाँ पे इम्प्रूव करना है, हाउ आई हैव टू प्ले विद दैट प्लेयर और दिस प्लेयर, तो इट बिकम्स लाइक अ नॉर्मल
टॉपिक अगेन. तो आपका शेड्यूल कितना बदला है फ्रॉम व्हेन यू वर इन हैदराबाद टू बैंगलोर? एंड ऑफकोर्स बैंगलोर की खासियत है जो आपको अब पता लगेगा कि यहाँ पर हर कोई किसी भी समय भागने को तैयार होता है. तो इज रनिंग यू नो लॉन्ग डिस्टेंस अ पार्ट ऑफ योर शेड्यूल एंड इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर एन एथलीट लाइक यू? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आने के बाद एज आई सेड कि मुझे एक कोच सिर्फ मुझ पे ध्यान दे रहे हैं, तो आई डोंट हैव टू वर्क दैट मच. तो जितने भी टाइम आई एम वर्किंग इट्स ओनली मी, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक 1.5 आवर और 2 आवर्स, इट्स ओनली मी. तो उसमें जितना भी आई लर्न माई टेक्निक्स और जहाँ पे भी वीकर एरिया है उस पर वर्क करना, तो इट बिकम्स मोर इजियर बिकॉज आई कैन एक्सप्लेन वॉट माई मिस्टेक्स आर टू हिम एंड ही हैज टू ओनली वरी अबाउट मी. सो इट बिकम्स मच मोर इजियर एंड डोंट हैव टू वरी सो मच अबाउट दिस सेशंस बिकॉज उनके भी आइडियाज हैं कुछ कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है. तो हम दोनों के आइडियाज बहुत मैच हो रहे हैं दैट वे. एंड जब भी एक सेशन के बाद आई ट्राई एंड प्ले सिंगल्स मैच प्रैक्टिस करती हूँ तो हमेशा इम्प्रूवमेंट दिखता है उसमें. तो इट्स बिकॉज जो ट्रेनिंग मुझे इंडिविजुअल मिल रही है वो काफी हद तक बहुत ही अच्छी है. एंड इट इज टोटली डिफरेंट. जो हैदराबाद में थे वो वैसे ट्रेनिंग से बहुत डिफरेंट है. तो नया भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि जो वहाँ पे वी यूज्ड टू ट्रेन सो मच लेकिन इम्प्रूवमेंट थोड़ा कम होता था, लेकिन यहाँ पे जो मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ वो सही है और ठीक से इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरा. तो इट डेफिनेटली इज बिकॉज मुझे वो स्पेशल अटेंशन मिल रहा है एंड आई एम गेटिंग दैट पर्सनल ट्रेनर ऑल्सो और पर्सनल फिजियो. तो जो मेरे ऊपर ध्यान दिया जा रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है. एंड उसके साथ साथ जो आपने मैराथन की बात करी है रनिंग की, वो बचपन से मैं रिले रेस बहुत करती थी स्कूल में, मुझे रेसिंग का बहुत शौक था. तो अगर डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प इन माय स्पोर्ट रनिंग, वो स्टेमिना के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन ऐसे भी इफ मुझे आप रेस के लिए बोले तो मैं आई कैन रन फॉर आवर्स बिकॉज आई लव रनिंग, इट्स पार्ट ऑफ माय लाइफ. एंड अगर मैं प्लेयर नहीं भी होती तो शायद मैं रनिंग करती रहती क्योंकि रनिंग मुझे बहुत पसंद है. क्योंकि इस गेम में हम देख रहे हैं ओवर द इयर्स काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं. ऑफकोर्स आप पिछले कई सालों से खेल रही हो, ओनली 9 years old व्हेन यू एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग इनटू कंपटीशन. अभी जो बदलाव आया है और कई लोग बोल रहे हैं कि बैडमिंटन में भी काफी इनोवेशन देख रहे हैं, नो वेदर इट्स स्ट्रोक्स द वे द गेम इज प्लेड, काफी लंबी रैलीज यहां पर चलती हैं, उससे कैसे आप लोग डील करते हैं और उसके लिए किस तरह की तैयारी की जाती है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस गेम में कभी भी एक वुमेन सिंगल प्लेयर ऐसा नहीं आया थे पहले. हमेशा से आप देखिए मेन सिंगल्स काफी अच्छे रहे थे, लेकिन मुझे इतना बिलीव नहीं था कि मैं एक ऐसी प्लेयर रहूंगी जो इतने सारे इवेंट जीत सकूंगी, इतने सारे मेडल्स आएंगे मुझे, दैट टू इन सिंगल्स. बहुत ही कम सिंगल्स प्लेयर्स दिखते हैं इंडिया से फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसमें इतना टफ है. यू हैव टू वर्क सो हार्ड एवरी डे बिकॉज बैडमिंटन इज अ गेम वेर यू हैव टू मूव रियली फास्ट. इतने ज्यादा रिफ्लेक्सेस आपको चाहिए इस गेम में कि आपके लेग्स हैंड्स हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, और इतनी जल्दी जल्दी में यू विल नॉट इवन नो कि आपको इंजरी भी कब हो गया बिकॉज इट्स बिकम टू फास्ट नाउ. एंड द सेम टाइम द रैलीज आर गोइंग रियली रियली लॉन्ग एंड ऑल ऑफ देम आर फास्ट पेस्ड रैलीज. तो वो भी ऑलमोस्ट 1.5 आवर टू 1 hour 40 minutes एक मैच चलता है इस बार आजकल तो वुमेन सिंगल्स में स्पेशली. तो इट्स लिटिल टायरिंग एवरी डे. जैसे आप 5 days खेलते हैं जब तक फाइनल्स आता है तो यू आर टोटली डेड बिकॉज एवरी डे जो आपके ऊपर फिजिकल प्रेशर तो रहता ही है बट मेंटली ऑल्सो यू आर स्ट्रेस. टूर्नामेंट्स में आपको वो प्रेशर रहता है कि यू हैव टू विन द मैचेस. सो इट्स टोटली डिफरेंट व्हेन यू प्ले इन द टूर्नामेंट्स. स्पेशली बीइंग एन इंडियन डूइंग सो वेल इज ऑब्वियसली इवन आई नेवर थॉट ऑफ कि मैं इतना कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अभी एक बिलीव आ गया है कि आई कैन डू इट एंड आई कैन विन मोर टूर्नामेंट्स. एंड दिस इज वेरी गुड बिकॉज द यंग जनरेशन विल गेट दैट काइंड ऑफ बिलीव कि व्हेन साइना कैन डू इट, व्हेन शी कैन बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यू नो वी कैन ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम हर, वी कैन ऑल्सो बी द बेस्ट. सो दिस इज अ गुड यू नो इंस्पिरेशन फॉर देम. अगर हमारे जब मैंने स्टार्ट किया था इफ मे बी इफ आई हैड यू नो समवन लाइक दिस फ्रॉम वुमेन्स साइड ऑल्सो, क्योंकि मेन्स में तो वी हैड प्रकाश सर एंड गोपी सर बट वुमेन्स में ऐसा नहीं था. तो अगर होते तो शायद हमें भी और जल्दी परफॉर्मेंसेज और आ जाती. तो लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. एंड आई थिंक मैंने वो ट्रेंड स्टार्ट किया तो आई एम इवन मोर प्राउड दैट के साया नेहवाल स्टार्टेड दिस. इनफैक्ट आपने कुछ दिन पहले कहा था जब आप शाहरुख खान से मिली थी दैट यू वॉन्ट टू बी द शाहरुख खान ऑफ बैडमिंटन. यू डेफिनेटली आर द शाहरुख खान ऑफ बैडमिंटन, यू डोंट हैव टू बी दैट. बट कैसा लगता है जब
शाहरुख खान जैसा एक शख्स कहता है कि आई वांट टू बी द साइना नेहवाल ऑफ इंडियन फिल्म डम. यू नो यू बीन यू गॉट अ लॉट ऑफ एक्यूलेड्स, काफी सराहना हुई है आपकी सपोर्ट की, काफी लोग आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं. आई थिंक आई सेड दैट बिकॉज यू नो मैंने कभी जब मैंने फर्स्ट शाहरुख खान की फिल्म देखी थी आई वॉज ओनली 5 years जब उनकी दिलवाले दुल्हनिया आई थी, तो उस टाइम पे मैं एक प्लेयर नहीं थी ना मैं वर्ल्ड नंबर 1 थी, तो मैं जस्ट एज ए फैन उनको देखती थी. और तो वन फाइन डे आई गॉट टू नो कि ही इज शूटिंग इन हैदराबाद फॉर हिज अपकमिंग मूवी, तो यू नो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो एंड मीट हिम. तो वहां पे मुझे उनसे काफी कुछ बात करने का मौका मिला बिकॉज ही इज सच अ गुड एक्टर इन हिज इंडस्ट्री. यू नो आई वांटेड टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस अबाउट हाउ ही हैंडल्स द प्रेशर, हाउ हिज हैंडल द मीडिया एंड देन यू नो हाउ इज ही अवे फ्रॉम हिज फैमिली एंड यू नो वर्किंग सो मच थ्रू आउट द डे. सो यू नो दैट्स हाउ आई गॉट इवन मोर इंस्पायर्ड. बट यू नो बिकॉज ही इज द बेस्ट इन हिज इंडस्ट्री दैट्स व्हाई आई वांटेड यू नो आई जस्ट टोल्ड दैट आई वांट टू बी द बेस्ट इन माई फील्ड एंड द बेस्ट which came into my mind is Shahrukh Khan. So I just told that way and then within 15-20 minutes came the answer from that side that I want to be sign yeah. of the film. So like a huge honor for me because someone of his level is telling that he wants to be sign of the film. So it gives me even more, you know. Do rai nahi hai that you are the best in your field, Saina. Lekin mujhe ek cheez batai, hum sab aapki jo chhavi hai wo ek एथलीट एज अ स्पोर्ट्स आइकन एज अ यूथ आइकन देख चुके हैं. हाउ इज साइना एज अ यंग गर्ल इन हर 20s? डज शी गेट टाइम टू हर सेल्फ? आपने कहा ऑफकोर्स अगर मौका मिले आप अपनी माता जी के साथ जितना समय मिल सके बिताती है, बट इज इट ईजी फॉर यू टू मेक न्यू फ्रेंड्स वेन यू मूव सिटीज वेन यू ऑफकोर्स आई एम श्योर यू गॉट अ लॉट ऑफ गुड एथलीट्स इज फ्रेंड्स. I'm bad at making friends. That's really really sad because itna time mera practice mein chale jata hai and if I meet a person like two three days back and I'm like speaking to her or him really nicely and then after the third day and fourth day I'm like what did I do that, you know. It's only because you know the game is so you know so much in the mind when you play at this level, you know it's too much of thinking about it that you don't really know what is happening around you or kisko kab friends banana hai kab nahi banana hai. So I'm really bad at doing that. Lekin jo mere sath khelte hain roz academy mein, definitely I know them the most and I can speak to them, I can share some of my matches experience with them, but there is nothing more than that because we go to the stadium to only play. Lekin jab bhi mujhe Sundays kabhi time milta hai off milta hai to I try and go out to watch movies because wo mujhe bahut achhi lagti hai movies dekhna and यहाँ पे तो मुझे डोसा भी बहुत पसंद आया है. आई मेक श्योर आई गो टू CTR एंड हैव डोसा. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस एंड अदरवाइज हार्डली एनी टाइम टू डू एनीथिंग एल्स. आपने इनफैक्ट कई दफा कहा है कि your biggest rivals of course are the Chinese players. Luckily they've not been very active or not been up to their mark in the last one and a half year. Lekin does that play on the back of your mind, you know, playing against these big Chinese players? Yes. See, they're losing, but it's not like they're losing easily. They are giving tough fight to all the players. It's just that the Chinese players right now, the other country players are also training equally, you know. They're also coming to the tournaments prepared very well. So if you see, not only you know one two countries players, but all the countries, if you see Japan, Korea, you know, Thailand, Chinese Taipei, everyone is giving them tough fight. So it becomes it is becoming very very you know tough for especially women's in the women's field, that who is going to win the title, because it's become more open now. It's not obvious that they are going to win it, but you can never underestimate a Chinese player. They are always giving you tough fight whenever, if it is first round or the finals, and you have to be better every time when you play against them. Otherwise, if small mistakes here and there, they're going to catch you. But really nice to see that the other countries' players are giving very very tough fight to all the Chinese players. So it's very very nice to see that women's singles has become more open now. इंडिया में अब सवाल यही है कि हाउ डू वी इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द स्पोर्ट एंड हाउ डू वी क्रिएट मोर एंड मोर साइना नेहवाल्स, कैसे वो अचीव किया जाएगा?
थोड़ा मुश्किल है लेकिन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. अगर और एकेडमीज आए इंडिया में और कोचेज आए जो वो लेवल पे बैडमिंटन खेल चुके हैं, जो जिनको पता है कैसे वर्ल्ड चैंपियन बनाना है या क्या ट्रेनिंग करनी है टू बी द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, तो अगर वो कोचेज मिले, अगर वो ट्रेनर्स मिले एंड फिजियोज, यू नो, प्रॉपर डाइट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स स्पेशली, अगर उनका सपोर्ट नहीं है तो इंडिया में आई फील जहाँ पे स्टडीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहाँ पे अगर पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो तो आई डोंट थिंक मेनी पीपल विल कम टू द स्पोर्ट्स. तो अगर जैसे मेरा एग्जांपल है, माय फादर इज अ साइंटिस्ट, डेफिनेटली मुझे साइंस में ही कुछ करना था, आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर. लेकिन मम्मी का इरादा कुछ और था, यू नो, शी वाज इनटू स्पोर्ट्स एंड शी उनको आइडिया था कि कैसे खेलना है बैडमिंटन, क्योंकि दे यूज्ड टू प्ले इन द क्लब बिफोर, जस्ट फॉर, यू नो, नॉर्मली दे यूज्ड टू गो फॉर फिटनेस एंड दे यूज्ड टू प्ले फॉर द क्लब. एंड उनको जब हम हैदराबाद शिफ्ट हुए हरियाणा से, तो वहां पे तो इट वॉज लाल बहादुर स्टेडियम, जहाँ पे एस एम आरिफ सर जो उस टाइम के चीफ कोच थे और उस टाइम पे इतने सारे टॉप प्लेयर्स थे लाइक गोपीचंद एंड ऑल जो वहां पे प्रैक्टिस कर रहे थे. तो पापा, यू नो, जस्ट सेड के ट्राई इट आउट, इफ यू लाइक इट देन कंटिन्यू, बिकॉज आई यूज टू लव स्पोर्ट्स, मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद था. तो वैसे ही मैंने बैडमिंटन स्टार्ट किया, नॉट थिंकिंग ऑफ दैट मैं एक दिन एक वर्ल्ड नंबर वन बनूंगी या कुछ प्रोफेशनल लेवल पे खेलूंगी. इट वॉज ओनली फॉर दी फिटनेस, लेकिन बैक ऑफ माई माइंड इट वॉज ओनली दैट कि मुझे डॉक्टर बनना है. लेकिन जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आई, जब मुझे लगा कि मैं अच्छे रिजल्ट दे रही हूँ, आई एम विनिंग द नेशनल टाइटल्स, आई एम प्लेइंग इंटरनेशनल लेवल, तो एक बिलीफ था मुझ में. आई टोल्ड माई पेरेंट्स के मुझे बैडमिंटन खेलना है, और अभी आई एम क्लोज टू इवन क्लोज टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स इन 2008 व्हेन आई वाज ओनली 18. सो मम्मी ने बोला ठीक है, इफ इट इज योर डिसीजन देन मेक श्योर दैट यू डू वेल इन दैट फील्ड, बिकॉज तुम अपनी स्टडी सेक्रीफाइस कर रही हो बिकॉज यू वांट टू प्ले बैडमिंटन. एंड जहां पे पहले जैसे मैंने बोला, कोई भी वुमेन सिंगल्स इतना हाईएस्ट लेवल पे नहीं खेल पाई थी और इतना कंसिस्टेंसी नहीं थी किसी के पास, तो उनको भी डाउट था कि वेदर शी विल बी एबल टू डू इट, बट दे नेवर टोल्ड मी, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी. बट धीरे धीरे रिजल्ट्स आते गए, मैं टूर्नामेंट जीतती गई, ओलंपिक्स भी खेला मैंने. अब इतने लिमिटेशंस में भी हमने इतना कुछ किया है, जहां पे फैसिलिटीज बहुत कम है, लेकिन अगर हमारे पास सब फैसिलिटीज आ गई, देन आई थिंक वी कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस. मेरा आखिरी सवाल फिर आपसे यही होगा, आपका आई एम श्योर कई सारे कॉम्पिटिशन्स में आप भाग लेंगी, आपने कहा आप डेनमार्क जा रही हैं इस हफ्ते के अंत में, लेकिन रियो के लिए क्या तैयारी है एंड व्हाट डू यू रियली वांट टू टेक बैक फ्रॉम देयर? रियो इज अगेन 1 year फ्रॉम नाउ, सो राइट नाउ अभी कुछ उसके बारे में कमेंट करना इजी नहीं होगा, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 1 year. लेकिन जो डेनमार्क एंड फ्रांस टूर्नामेंट है नेक्स्ट वेयर आई एम प्लेइंग, इट्स अगेन अ सुपर सीरीज इवेंट एंड विद आई वर्क वेरी वेरी हार्ड एंड आई होप आई गिव माई बेस्ट इन दीज टू टूर्नामेंट्स. एंड आई एम ऑल्सो, you know, it's not going to be easy because you know, it's a Olympic qualification year, so everyone is really alert and, you know, they just want to everyone wants to qualify, so it's even more interesting to watch till next May. And so we have couple of super series now which I can just tell you about. I'm working on that, and as we hardly get any time, as I said, after this we have only 2 weeks for China and Hong Kong, and then we have only 2 weeks again for the super series finals in Dubai. So we hardly get any time to prepare that much, but whatever time we are getting, we have to make sure we are performing well in that particular tournament. So the next one is the Denmark and France, where I just hope I give my best. Well, it's very evident, it's really tough being world number one, but we're very proud of you. Congratulations, Saina, and all the very best for all your tournaments. Thank you so much. Thank you.